हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सर मुझे बताएं कि हाइड्रा का यूनिट कितने लोग अपने सैलून में यूज कर रहे हैं? जितने सैलून वाले यहाँ पर हैं, हाइड्रा इस वक्त कौन कौन यूज कर रहे हैं? आप लोगों से ये सवाल कर रही हूँ, पहला क्वेश्चन ये है कि आज की क्लास का जो टॉपिक है ना, वो हमारा हाइड्रा, बीबी ग्लो, माइक्रो नीडलिंग और स्किन से है। मशीन का सब कुछ मैंने आपको बताना है, लेकिन पहले आप लोगों की जहन की कुछ कंफ्यूजन दूर करनी है कि हाइड्रा फेशियल है क्या, इसका मकसद क्या है, क्यों लोग हाइड्रा फेशियल करवाते हैं, या अब जो एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है वो हाइड्रा पे क्यों लोग जा रहे हैं, क्या वजह है? फेशियल तो पहले भी होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन अब हाइड्रा पे क्यों? जो क्लाइंट आता है वो ये कहता है मैंने हाइड्रा करवाना है, हाइड्रा करवाना है, क्या वजह है? और हाइड्रा में और नॉर्मल फेशियल में फर्क क्या है, क्या ऐसे रिजल्ट्स में क्या फर्क है, और अगर कोई कम चार्ज कर रहा है तो वो कहां पर डेटिंग आ रहा है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हाइड्रा के भी मैं यूनिट्स आपको दिखाती हूँ, जो लोग ऑलरेडी यूनिट यूज कर रहे हैं उनको सारा पता होगा, लेकिन जो नहीं कर रहे और उसका फर्क नहीं पता तो वो उनको भी पता होना चाहिए। हम आज स्किन के टॉपिक को लेकर यहाँ सब बैठे हुए हैं, सबके दिमाग में स्किन को लेकर सवाल होंगे कि स्किन क्या है। स्किन को पढ़ना, स्किन को पढ़ के काम करना जब आप करेंगे तो आप लोगों के बहुत सारे काम इजी हो जाएंगे। अगर हम एक ही प्रोडक्ट तमाम स्किन पे करेंगे तो हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो ट्रीटमेंट्स के होते हैं। ट्रीटमेंट्स का मतलब ही यही होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्किन को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ ट्रीट किया जाए। अगर आप एक अच्छे सैलून में काम कर रहे हैं या एक अच्छा सेटअप रन कर रहे हैं तो आपको ब्रांड्स पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि लोग मुझे पैसे भी दें और मैं इन्वेस्टमेंट भी ना करूं तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। जब तक आप अपने सैलून में हाईली ब्रांड के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल हर किसी को अवेयरनेस है, सबको पता है, जैसे ही हम किसी ब्रांड का नाम लेते हैं वो गूगल करते हैं, उनके पास पूरी डिटेल्स आ जाती है कि ये क्या यूज करने जा रहे हैं, और हमारे कस्टमर्स जो होते हैं ना वो हमसे ज्यादा सर्चिंग करके हमारे पास आते हैं। आप कोई भी नॉर्मल फेशियल उठा लें, फेशियल तो आपको 2000 वाला भी मार्केट में मिल जाएगा और 2 लाख वाला भी मिल जाएगा, लेकिन इन प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आप लोगों को ये चीज की कंफ्यूजन जो है वो अपने माइंड से क्लियर करनी है कि महंगा क्यों है प्रोडक्ट, क्योंकि उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट, उसकी मेकिंग, वो पाकिस्तान में बन रहा है या बाहर से आ रहा है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक स्किन के टॉपिक को समझाऊंगी। स्किन के टॉपिक को समझाने के साथ साथ, क्योंकि टाइम हमारे पास पहले ही आधा एक घंटा, तो प्रैक्टिकल में साथ साथ आपको साथ ही उसके लेक्चर को क्लियर करूंगी प्रोजेक्ट के साथ। और दूसरा ये कि आप लोगों के जितने भी सवाल आते हैं, जितने भी आपके जहनों में क्वेश्चन है, आप कोई कॉपी पेंसिल या कुछ भी इस पे लिख लें, सवालों के जवाब हम आपको, जो भी सवाल होंगे माइक आपको मिल जाएगा, आपके जो भी सवाल होंगे उसके जवाब में आपको साथ साथ उसमें देती होंगे। मेन चीज है स्किन और आज का टॉपिक बीबी ग्लो। बीबी ग्लो क्या है? बीबी ग्लो को लेके बहुत सारे ऐसे सवाल लोग मुझसे ऑनलाइन भी पूछते हैं कि बीबी ग्लो हलाल है या हराम है। ये पहला सवाल जो बहुत मोस्टली मुझे सुनने के लिए मिलता है कि क्या बीबी ग्लो करवाने के बाद वजू हो जाता है, क्या बीबी ग्लो करवाने के बाद नमाज हो जाती है। बहुत सारे लोग जनरली यही क्वेश्चन करते हैं कि इज दिस ट्रीटमेंट हलाल। पहला सवाल यही होता है, क्योंकि लोगों के जहनों में ये कॉन्सेप्ट है कि शायद ये टैटूज है, या अगर ये पिगमेंट स्किन के अंदर जा रहा है तो शायद इसके बाद हमारा वजू नहीं होगा या नमाज नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये चीज सबसे पहले क्लियर कर दूं कि ये टोटल हलाल है। सबसे पहले जो हमारी स्किन की फर्स्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, ये यहीं तक होता है, ये वो डेप्थ में जाके टैटूज वाला काम नहीं करता। जो टैटूज होते हैं वो लाइफ टाइम होते हैं, वो रिमूव नहीं होते धुलने से या वॉश आउट होने से। लेकिन बीबी ग्लो का जो सीरम हम आपकी फर्स्ट ईयर में जब उसको पेनिट्रेट करते हैं तो वो हर वॉश में निकलता है, हर वॉश में वो निकलता है, और 10 से 15 दिन तक पहली सिटिंग का रिजल्ट रहता है। आप जितने भी लोग आज यहां पर बीबी ग्लो की क्लास लेने आए, उनके माइंड में ये
चीजें क्लियर हो। सबसे पहले जब भी आप बीबी ग्लो का क्लाइंट लेंगे ना अपने सैलून में, या आप बीबी ग्लो स्टार्ट करेंगे, तो आप क्लाइंट की कंसल्टेंसी पहले उसके माइंड को क्लियर लाजमी करेंगे कि ये रिजल्ट कितने दिन रहेगा। बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि बीबी ग्लो करवाने के बाद हमें और कुछ नहीं करवाना। वो समझते हैं कि हमने बीबी ग्लो की एक सिटिंग करवा ली, बस खत्म, अब हमारा लाइफ टाइम बेस लग गया, अब हमें और कुछ करवाने की जरूरत नहीं। स्किन, स्किन क्या है? स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्ज ऑर्गन है। हमारी पूरी बॉडी में स्किन, स्किन है तो है ना, स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी का, जो तकरीबन हमारे पूरे एरिया जो है ना वो 20 स्क्वायर फीट को कवर करता है हर बॉडी। स्किन की थ्री लेयर्स होती है, वो सबको पता है, एपिडर्मस, डर्मस, हाइपोडर्मस। एपिडर्मस और डर्मस, यहां तक अगर आपकी स्किन डैमेज होती है ना सेकेंड लेयर तक, तो उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब बात हाइपोडर्मस में चली जाए ना, फिर आप उसको रिपेयर नहीं करिए। अभी मैं आप लोग को वन बाय वन देती हूँ, आप लोग करीब से भी देख सकते हैं। देखें ये वाले जो एंट्रीबुल्स होते हैं ना, गोल्ड, ब्लू, पिंक, ये डिफरेंट स्किन के होते हैं कि इसको किस चीज की जरूरत है। ये जो सीरम्स है ना, ये आपकी स्किन का फूड है। ये स्किन के माइक्रो चैनल्स में जाके अपना वर्क करते हैं, आपके दिमाग को सिग्नल पहुंचता है कि यहां पर अभी पंचिंग की गई है, इसको ट्रीटमेंट दिया जाए। और जब वो दिमाग को सिग्नल पहुंचता है, वो ट्रीटमेंट के सीरम जब आपकी बॉडी के अंदर जा रहे होते हैं, तो ये अपना वर्क डबल कर देते हैं। अगर यही सीरम्स आपका क्लाइंट ऊपर से लगा रहा है, रेगुलर लगा रहा है, रेगुलर एक ही सीरम लगा रहे लेकिन ऊपर ऊपर लगा रहे, तो ये इतना असर नहीं करेगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर यही सीरम आपका क्लाइंट डॉक्टर पैन के थ्रू माइक्रो नैनो नीडल्स के साथ लगा रहा है, तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो डबल हो जाएंगे। इसका असली काम है स्किन की एपिडर्मस की लेयर में जाके काम करना, ठीक है। अगर आप ये सीरम ऐसे ही बाय कर लें और इसको हाथों से मलती रहे, अपने रोज फेस पे रात को लगा रही है, तो इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। आप कहेंगे मैं इतना महंगा सीरम ले रही हूं, क्योंकि ये पूरी किट आपको बाय करनी होती है, और आप कहेंगे मुझे तो रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि इसका इस्तेमाल का तरीका ही आप सही नहीं करते, ठीक है। अब इसमें हमारे पिगमेंट्स हैं, इसमें डार्क है, लाइट है, मीडियम है, इसमें ब्लशन है, इसमें व्हाइटनिंग है, इसमें सारे सीरम्स मौजूद है। ये पूरी किट है बीबी ग्लो की। इस पूरी किट के साथ आप एक पूरा कंप्लीट बीबी ग्लो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम इसी किट के साथ अभी आपको करके भी दिखाएंगे। क्लियर स्किन को या फ्रेश यंग स्किन को उठाती हूँ, तो फिर कोई कमाल नहीं है ना कि यार ये तो पहले इतनी अच्छी स्किन थी, इसी पे उन्होंने करके दिखा दिया। आज मैं आपको जिस तरीके से मुझे हाइड्रा सिखाया गया, जिस तरीके से मैं अपने सैलून में हाइड्रा करती हूँ, पूरा कंप्लीट वही तरीका मैं आपको बताऊँ। जो प्रोडक्ट यूज करने जा रहे हैं वो हम बीबी ग्लो नॉर्मलाइज क्लेंजिंग मिल्क यूज कर रहे हैं। सबसे पहले ये हम हाइड्रा के साथ इनका बीबी ग्लो भी कर रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट कौन सी यूज कर रहे हैं, हम बीबी ग्लो की प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। मशीन सकास की है, प्रोडक्ट सकास की है, बीबी ग्लो किट सकास के हैं, जेली मास्क सकास के हैं, सारा जो ये इस वक्त आप प्रोडक्ट देख रहे हैं ये सारा जो है वो सकास का है, यानी पोस्टकॉम प्रोफेशनल के साथ हम काम कर रहे हैं। आपके हाथों यूज करना है वरना ये एक्सपायर हो जाए। ये जहन में रखना है कि इसको खोल के आपने महीने से ज्यादा नहीं छोड़ना। ये टोटल जो इसमें प्रोडक्ट है ना वो 8 है। आप अपने क्लाइंट की क्लिंस करेंगे स्किन, अगर आपको लगे कि क्लिंसिंग की 2-3 दफा जरूरत है, तो आप 2-3 दफा भी इसको क्लिंस करेंगे। असल में इस वक्त हमारे पास ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स हैं 20, उनको भी हमें दिखाना है सारा। वो बेचारे लाइव नहीं है, लेकिन उनको ऑनलाइन भी हमें सारा दिखाना है। ये अब्रेजन टूल है हाइड्रा यूनिट का सबसे पहला। एकदम से मुंह पे डायरेक्ट लगा के एकदम से सीरम आना शुरू हो जाए, उसको पहले चेक कर लें अपने हैंड पे चला के कि ये परफेक्टली चल रही है या नहीं। जी जी, पूछे जी, बिल्कुल।
ट्यून करता है। इसमें ना आरएफ होता है ना, आरएफ जो ये ट्यूल है ना, ये वाला ट्यूल, ये आपकी लिफ्टिंग के लिए जो सीरम्स आप यूज करते हैं ना, ये इसकी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है ना, ये आपके रिंकल्स के लिए खास तौर पर होती है। आफ्टर केयर में फिर आपका क्लाइंट होम रिजीम, जाहिर सी बात है सिर्फ फेशियल तो काम नहीं करेगा ना, बाद में वो होम केयर क्या करता है, फेशियल करवाने के बाद वो कुछ भी नहीं करता और वो कहता है कि मैं महीने में एक दफा फेशियल ले लूं और फिर मेरा ट्रीटमेंट भी हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। होम रिजीम और मैं इस टूल से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये सारे आपकी स्किन के अंदर रीजनरेट करते हैं सीरम्स को, आपके टिश्यूज को, आपकी कनेक्टिव फैट को, व्हाइटनेस को, ब्लैकहेड्स को रिमूव करते हैं, क्लीनिंग देते हैं, आपकी स्किन को ऑक्सीजन देते हैं, हाइड्रेट करते हैं, आपकी स्किन सांस लेना शुरू हो जाती है। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस आपका करने वाला हाथ प्रोफेशनल हो और आपकी प्रोडक्ट्स अच्छी है और आपका क्लाइंट आपकी बात सुने, लिफ्टिंग फेशियल करा रहा है, व्हाइटनिंग करवा रहा है, एक्ने करवा रहा है, उसकी होम रिजीम को यूज करें पूरा एक महीना, उसके बाद दोबारा आपके पास आए उसकी स्किन चेंज होगी डेफिनेटली। इस मशीन के साथ आप तमाम ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को चेंज करें, टूल्स यही होंगे, आपके मटेरियल की चेंजिंग के बाद आप सारे ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। आप एक्ने का कर रहे हैं तो एक्ने सीरम ले लें, आप लिफ्टिंग का कर रहे हैं तो लिफ्टिंग सीरम ले लें, आप व्हाइटनिंग का कर रहे हैं तो व्हाइटनिंग सीरम ले लें, प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे लेकिन टूल्स आपके यही रहेंगे, मेथड आपका यही रहेगा। तो उसके बाद है क्या हम इसको कुछ मंथ के बाद करें या एक बार करवाने के बाद क्लाइंट को बार बार करवाना चाहिए? अगर आपका क्लाइंट इस चीज को मेंटेन करता है, अफोर्ड करता है तो मंथली करवा सकता है, और अगर मंथली नहीं करवा तो 2 महीने बाद भी करवाए, लेकिन आपके क्लाइंट के ऊपर है ना कि उसकी जेब कितनी ज्यादा के लिए। मैंने स्क्रबर एक्सफोलिएटर यूज किया, उसके बाद मैंने गीले फेस पर स्क्रबर यूज किया।